बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब खोजने के नाम पर एक बार फिर से पुलिस की बेरहमी देखने को मिली है और पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी घर की महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट कर रही है। वहीं पड़ताल करने पर पता चला है कि यह वायरल वीडियो जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि देर रात देसी शराब की खरीद बिक्री की सूचना पर साहेबगंज पुलिस इलाके के गुलाब पट्टी गांव में छापेमारी करने पहुंची थी और जहां शराब नहीं मिलने पर घर के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था और जिसके बाद गुस्साए पुलिस कर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच घर के एक युवक ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाता रहा और जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर पीड़ित भगवान महतो के परिजनों ने पुलिस पर गलत तरीके से घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं साहेबगंज पुलिस का कहना है कि देसी शराब की खरीद बिक्री की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और बरामद शराब को पुलिस के हाथ से छीनकर शौचालय की टंकी में बहाया गया। हालांकि इस घटना के बाद मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।